ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई थिंक वी आर गुड टू स्टार्ट टुडे सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जो ऑनलाइन बच्चे बैठे हैं, काइंडली मुझे ज़रा मैक चैट पे लिख के अपडेट कर देगा दैट माय वॉइस इज क्लियर, ऑल गुड, सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड। ओके जी, हमारे पास यहाँ पे मैक चैट मैंने ओपन कर लिया, क्लियर ऑल गुड, स्क्रीन भी विजिबल है भाई हमारे पास। बच्चों, हम लोग अब अपना एक लास्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं पेपर वन का, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर मैं आप लोग को वापस से फिर रिज्यूम करवाऊंगा टुवर्ड्स पेपर टू, ठीक है। और थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। अगर मैं पेपर वन की बात करूं तो पेपर वन में मेजर चैप्टर्स आपके पास चार चैप्टर थोड़े से मुश्किल कंसिडर किए जाते हैं, लाइक आपका चैप्टर नंबर वन, देन डेटाबेस, देन असेंबली लैंग्वेज, एंड देन बच्चों इंटरनेट कम्युनिकेशन, जो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, लेकिन अगेन हमें थोड़ा सा इसको मतलब अप टू डेट रखना है, इसको थोड़ा सा जल्दी कवर अप करना है, जितना मैक्सिमम एज सून एज पॉसिबल हम इसको कवर अप कर सकते हैं हम लोग कवर अप करेंगे, सो दैट फिर मैं आप लोग को ताकि वापस से रिज्यूम करवाऊं बच्चों पेपर टू। और पेपर टू के अंदर आप लोग को पता है अभी तक हमारे पास एक मेजर टॉपिक रहता है, दैट इज टेक्स्ट फाइल्स, और उसके बाद फिर छोटे 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 बहुत सारे चैप्टर हमारे पास टॉपिक्स रहते हैं, तो वो भी हम लोग बच्चों टाइमली कवर अप करते रहेंगे। तो लेट्स मूव ऑन बच्चों, आगे मूव ऑन करते हैं यहाँ पे, एंड लेट्स स्टार्ट विद आर फर्स्ट चैप्टर, सॉरी अ चैप्टर बच्चों, एंड दिस चैप्टर इज कॉल्ड इंटरनेट कम्युनिकेशन। ओके जी, सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पार्ट बच्चों, मैंने आप लोग के सामने क्या करा, लेट्स से बच्चों हमारे पास वन ऑफ आर स्टूडेंट, योर नेम इनाम जो है बच्चों, उनको गेम खेलने का दिल चाह रहा था, तो इनाम ने बच्चों अपना कंप्यूटर कनेक्ट कर लिया विद अब्दुल्ला। तो जब बच्चों इन्होंने अपना कंप्यूटर कनेक्ट कर लिया विद अब्दुल्ला, सो एनीवन, ये क्या चीज बन गई, नेटवर्क बन गया आपके पास ये। तो दिस इज
नेटवर्क, एक नेटवर्क बन गया। बच्चों हमारे पास सारिम का भी दिल चाह रहा था गेम खेलने का, तो सारिम ने आपके पास कनेक्ट कर लिया अपना कंप्यूटर वायरलेसली विद अली के कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर लिया, और बच्चों अली ने अपना कंप्यूटर कनेक्ट कर लिया थ्रू वायर कासिम के कंप्यूटर के साथ। और आपके पास बच्चों अगेन कासिम का कंप्यूटर बच्चों ये भी वायरलेसली कनेक्ट हो गया बच्चों विद तारिम कंप्यूटर। तो बच्चों ये क्या बना, ये भी आपके पास क्या बन गया, एक अदद नेटवर्क बन गया। तो ये भी एक नेटवर्क है बच्चों आपके पास, एंड दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ नेटवर्क। अब बच्चों इशू जब आया हमारे पास, जब कासिम ने बोला कि वी आर हैविंग द बेस्ट सीएस टीम काउंटर स्ट्राइक की, बच्चों सारिम ने बोला भाई हमारी बेस्ट टीम है बच्चों। तो अच्छा कासिम सारिम और ये सब बच्चों यूएस जा चुके थे अब्दुल्ला और इनाम और अब्दुल्ला वर इन कराची, कराची में थे। तो बच्चों इन्होंने बोला भाई कैसे आपकी बेस्ट टीम हो सकती है, लेट्स हैव अ कंपटीशन। तो बच्चों डिसाइड हुआ कि वी विल बी हैविंग अ कंपटीशन। तो ये सब बच्चों एक जगह गैदर हुए, ये सब लोग बच्चों आपके पास एक जगह गैदर हुए और आप आपस में बच्चों यहां पे इनका क्या हुआ, कंपटीशन स्टार्ट हो गया। देखिए ऑफ कोर्स दिस विल बी अ सर्वर, एक सर्वर होगा आपके पास, लेकिन एक्चुअली आई डोंट वांट कि आप लोग सर्वर आंसर करें। तो बच्चों ये लोग कहां पे जाके अपना कंपटीशन टेक प्लेस करेंगे, कहां पे करेंगे, इंटरनेट, ठीक है। सो इंटरनेट बच्चों एक्चुअली है क्या आपके पास, इंटरनेट इज नथिंग, इट्स जस्ट अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल डिफरेंट नेटवर्क्स। तो इंटरनेट बच्चों आपके पास क्या है, एक कलेक्शन है आपके पास डिफरेंट नेटवर्क्स का, एंड जब आप उसको एक जगह गैदर कर देते हैं तो बच्चों इट इज कॉल्ड इंटरनेट। सो नाउ लेट्स राइट डाउन द डेफिनेशन बच्चों फॉर द नेटवर्क फर्स्ट। तो मैंने आप लोगों को नेटवर्क की डेफिनेशन लिखवाई यहां पे, सो व्हेन वी टॉक अबाउट बच्चों नेटवर्क, इट्स अ कलेक्शन ऑफ टू और more systems connected through wire or wirelessly। So bachcho it's a collection of two or more than two systems bachcho connected through wire or wirelessly। अब बच्चों आगे मूव ऑन करते हैं, यहां पे एक और चीज आप लोगों को बड़ी मेजर पता होनी चाहिए बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, एंड दिस इज कॉल्ड बेटा आप लोगों को नजर नहीं आ रहा, आप लोगों ने गलत पढ़ लिया भाई, कनेक्टेड थ्रू वायर और वायरलेसली। अब बच्चों एक और चीज मेजर आप लोगों को यहां पे पता होनी चाहिए बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, एंड दैट इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। सो व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल बच्चों क्या होता है, ओलिम्पस में आप लोगों ने पढ़ा होगा, एनीवन सेट ऑफ रूल्स, ठीक है। अब बिल्कुल प्रिसाइज डेफिनेशन फ्रॉम इनाम, इट्स अ सेट ऑफ रूल्स एंड सर्टिफिकेट्स यूज्ड बाय टू कंप्यूटर्स whenever they communicate। तो जब भी आपके पास बच्चों दो या दो से ज्यादा सिस्टम आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो बच्चों इट्स कॉल्ड, उनको कुछ ना कुछ आपके पास सर्टेन रूल्स होते हैं, सर्टेन सर्टिफिकेट्स होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड बच्चों अ प्रोटोकॉल। अब आप लोगों को यहां पे बच्चों एक और चीज पता होनी चाहिए, अगेन अ मेजर वन, एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन WWW versus इंटरनेट। तो सबसे पहले अगर मैं आप लोग से एक क्वेश्चन करूं, बड़ा सिंपल सा सवाल है,
वॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ WWW? वाओ भाई, सबको पता है, वर्ल्ड वाइड वेब। और अगर अब मैं आप लोग से सवाल करूं कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इंटरनेट, आप लोगों को पता है इंटरनेट एक एब्रीविएशन है, इसकी फुल फॉर्म इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स। ऐसा लग रहा है मुझे कि ठीक है, इंटर कनेक्टेड नेटवर्क्स। तो बच्चों WWW क्या होता है आपके पास? इट्स अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। और इंटरनेट क्या चीज है आपके पास? इट्स अ कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट नेटवर्क्स। एंड द थर्ड डिफरेंस बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्रोटोकॉल आपके पास कौन सा यूज किया जाता है। तो WWW जो प्रोटोकॉल यूज करता है बच्चों, प्रोटोकॉल यूज्ड इज HTTP या फिर बच्चों HTTPS। अब आप लोग के माइंड में आ रहा होगा सर ये HTTP क्या है? तो HTTP इज एक्चुअली हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। लेकिन अगेन इसकी डेप्थ में आप लोगों को अभी जाने की जरूरत नहीं है, बाद में बात करेंगे, इस चैप्टर के एंड में बात करेंगे। एंड बच्चों द लास्ट थिंग दैट यू शुड नो, प्रोटोकॉल यूज्ड बाय इंटरनेट बच्चों इज TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एंड IP इज फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। सो दिस इज बच्चों आपके पास, ये आप लोग को बेसिक स्टफ पता होना चाहिए। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जी जी, ये TCP/IP मॉडल आपने A2 में पढ़ा है, वही मॉडल है ये। नाउ बच्चों मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं यहां पे। अब लेट्स टॉक अबाउट बच्चों हमारे पास हमारे एक स्टूडेंट, एंड बच्चों द नेम ऑफ दैट स्टूडेंट इज रेड शर्ट ब्लू जैकेट खिजर। तो बच्चों खिजर बहुत खुश थे, दिल जाए मेरा थोड़ा। खिजर बच्चों बहुत खुश थे क्योंकि खिजर बच्चों एक दुनिया के अंदर एंटर होने जा रहे थे। एंड बच्चों दैट दुनिया बच्चों वॉज द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट। तो बच्चों मेरा सवाल ये, इस दुनिया में जाने के लिए खिजर को क्या चाहिए? ISP चाहिए, ठीक है। और बता दें भाई जल्दी जल्दी, ठीक है, सही है। तो सारिम और इनाम ने बच्चों ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करा मेरा, बिल्कुल दोनों ने सही जवाब दिया। तो बच्चों अगर आप लोग को इस दुनिया में एंटर होना है, ऑल्दो दैट वाज नॉट द करेक्ट आंसर, तो बच्चों आप लोग को एक आईपी एड्रेस चाहिए होता है। लेकिन किस टाइप का आईपी एड्रेस चाहिए होता है? आप लोग को चाहिए होता है बच्चों एक पब्लिक आईपी एड्रेस चाहिए होता है। तो विद द हेल्प ऑफ अ पब्लिक आईपी एड्रेस बच्चों आप लोग क्या कर सकते हैं? यू कैन एंटर इनटू दिस वर्ल्ड। अगर आप लोग के पास पब्लिक आईपी नहीं है तो आप लोग इस दुनिया के अंदर बच्चों एंटर नहीं हो सकते, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अब ये पब्लिक आईपी आप लोग को प्रोवाइड कौन करता है? तो बच्चों ये पब्लिक आईपी आप लोग को प्रोवाइड करता है आप लोगों का ISP। तो अब अगर आप लोग से कोई सवाल करे कि ISP क्या प्रोवाइड करता है, तो आप लोग का आंसर ये नहीं होना चाहिए कि ISP इंटरनेट प्रोवाइड करता है। नो, ISP आप लोग को पब्लिक आईपी प्रोवाइड करता है थ्रू विच यू एक्सेस इंटरनेट। तो ISP बच्चों क्या होता है आप लोग के पास? दैट इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और
ये आप लोगों को बच्चों क्या प्रोवाइड करता है, ये आप लोगों को प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स अ पब्लिक आईपी थ्रू विच वी एक्सेस इंटरनेट। पब्लिक आईपी एड्रेस बच्चों इज गिवन बाय आईएसपी। यस साथ पब्लिक आईपी आपका आईएसपी आपको प्रोवाइड करता है और आईएसपी जो है वो पूरा एक बैंड परचेज करता है बैकएंड के ऊपर और फिर ये आगे प्रोसेस चलती है। अब बच्चों एक ऐसी आप लोग का जनरल सवाल करूं ताकि आप लोग थोड़ी सी ब्रेन स्ट्रोमिंग भी हो, थोड़ा सा आप लोग का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। और मैं एक चीज आप लोगों को बता चुका हूं, दिस इज द लास्ट चैप्टर, बस मैं इसके बाद आप लोगों को वापस से पेपर टू के ऊपर मूव ऑन करवा दूंगा। कुछ और चैप्टर रहते हैं बट दे आर ड्राई, दे आर थियोरिटिकल चैप्टर, तो उनको हम लोग बाद में आखिर में देख लेंगे, जब भी टाइम मिलेगा उसको कवरअप करेंगे। ऑफकोर्स कवरअप तो करना ही है लेकिन उसको आराम से कवरअप कर सकते हैं। अभी हमारे पास जो टाइम है, अभी आप लोग के ऊपर स्ट्रेस इतना ज्यादा नहीं है, तो आई वुड रियली लाइक कि अभी मैं आप लोग को पेपर टू के जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो हम लोग पहले क्या कर लें, वाइंड अप कर लें, बिकॉज वहां पर आप लोग का माइंड लगेगा, वहां पे आप लोग का दिमाग ज्यादा लगेगा। ये भी एक मुश्किल चैप्टर है, ये इतना आसान चैप्टर जितना दिख रहा है इतना आसान है नहीं, इट्स अ टोटली कॉन्सेप्चुअल चैप्टर, तभी मैं ये वाला पहले करवा के इसके बाद फिर आप लोग को पेपर टू के ऊपर मूव ऑन करवाऊंगा। इट्स अ लॉन्ग चैप्टर, मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं, तो आज भी जितना मैक्सिमम हम लोग कवर अप कर सकते हैं कवर अप करेंगे। अब मेरा क्वेश्चन ये एक बड़ा जनरल सवाल है, कल को आप लोग अपने आप लोग की जो कोई कजन्स वगैरह BScS कर रहे हो या मास्टर्स कर रहे हो इवन, ठीक है, आप उनसे सवाल कर सकते हैं, ये जाके आप लोग से सवाल कर रहा हूं मैं, इंटरनेट का ओनर कौन है, हु ओन्स इंटरनेट, फिर कैसे चल रहा है इंटरनेट, क्या चल रहा है, पब्लिक, नो, ओनर्स तो हैं कुछ, फहद ने बोला यूएसए तुम ये भी बैंड लगा दो ताकि मेरी ऑनलाइन क्लासेस ना हो, ठीक है। तो बच्चों देखिए अब होता क्या है, आपके पास इंटरनेट का ना ओनर वैसे तो कोई भी नहीं है, लेकिन आपके पास थ्री टीयर्स कंपनीज होती हैं, टीयर वन, टीयर टू, टीयर थ्री। आप लोग जिससे इंटरनेट लेते हैं, दैट इज जनरली स्ट्रॉन्ग फाइबर या PTCL या आपके पास मल्टीनेट, ये टीयर थ्री कंपनीज हैं। फिर आती है बच्चों आप लोग के पास टीयर टू कंपनीज जिससे PTCL इंटरनेट लेता है, दैट इज एतिसलात, दुबई से ऑप्टिक फाइबर केबल के थ्रू आपके पास इंटरनेट आ रहा है, एक पूरा चैनल आ रहा है PTCL, उसको लेके आगे क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, ये टीयर टू कंपनी है। फिर आपके पास आती है बच्चों टीयर वन कंपनीज, टीयर वन कंपनीज बच्चों बिटवीन द कॉन्टिनेंट्स क्या कर रही होती है, आपके पास उन्होंने पूरी पूरी बैंडविड्थ बिछाई भी होती है और वो आपके पास डाटा ट्रांसमिट कर रही होती है, लाइक सिंगटेल इज वन ऑफ देम, AT&T इज वन ऑफ देम, हवावे इज वन ऑफ देम, अवाया इज वन ऑफ देम। तो ये आपके पास मेजर टीयर वन कंपनीज है। टीयर वन कंपनी क्या करती है, बिटवीन कॉन्टिनेंट्स या बिटवीन कंट्रीज आपके पास क्या कर रही होती है, पूरे पूरे आप लोगों को बैंडविड्थ और आप लोगों को पाथ प्रोवाइड कर रही होती है। अब कल को लेट्स से एक आपके पास टीयर वन कंपनी है AT&T, उसने बोला भाई मैं वाइंड अप कर रहा हूं, इंटरनेट बंद। तो बच्चों उसके बंद होने से इंटरनेट बंद नहीं होगा, हाँ एक ओवरऑल इफेक्ट जरूर आएगा कि आपके पास पूरी दुनिया का इंटरनेट थोड़ा स्लो हो सकता है लेकिन खत्म नहीं होगा, बिकॉज इट्स अ कनेक्शन ऑफ, अगर आपके पास एक पाथ अवेलेबल है यहां से, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं भाई आप बाहर जाओ, सारिम को बोला सारिम यहां से भी बाहर जा सकते हैं, मैंने बोला भाई अब इस क्लास में एक ही गेट अवेलेबल है, तो मैंने यहां पे चेयर्स वगैरह लगा दी, मैं बोला भाई अब बाहर जाओ, तो सारिम पीछे घूमते हुए पूरा जाके और फिर क्लास से बाहर गए, तो मतलब आपके पास पाथ अवेलेबल होगा लेकिन थोड़ा सा क्या हो जाएगा, डिले आना शुरू हो जाएगा। तो दिस इज हाउ बच्चों द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट इज बीइंग कंट्रोल्ड। तो टीयर वन कंपनीज एक्चुअली दे आर द ओनर्स, वो अगर हाँ अगर दुनिया की सारी टीयर वन कंपनीज बंद हो जाए देन इट्स गॉन, इंटरनेट बंद हो सकता है फिर आपके पास, लेकिन ऑफ कोर्स ऐसा कोई भी कंपनी करेगी नहीं आपके पास। सो दिस इज हाउ द स्टफ गोज ऑन। अब बच्चों हम लोग यहां पे बात करते हैं रिगार्डिंग अ वंडरफुल कॉन्सेप्ट, एंड दिस कॉन्सेप्ट बच्चों इज कॉल्ड आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस बच्चों दिस इज द इंटरनेट ऑफ अ डिवाइस ओवर द इंटरनेट या ओवर अ नेटवर्क, और ये आपके पास यूनिक एड्रेस होता है, तो मैंने इसको पहले डिफाइन कर दिया, एड्रेस इज
ऑफ अ डिवाइस ओवर अ नेटवर्क और इंटरनेट। आपके पास बच्चों दो तरह के आईपी एड्रेसेस होते हैं, दोनों आप लोग को पढ़ने। द फर्स्ट वन बच्चों इज कॉल्ड आईपी वर्जन 4 एंड द सेकंड वन बच्चों इज कॉल्ड आईपी वर्जन 6। नहीं रहमान बेटा, आपके इसको मैं अभी आंसर करता हूं। रहमान ने बोले कि सर जब मैं इंटरनेट का पैकेज रिवाइज करता हूं तो क्या मुझे एक नई पब्लिक आईपी मिलती है? नहीं, ऐसा नहीं होता। असल में होता यह कि आपका जो भी आपकी कंपनी है तो वो एक बैंड उसने परचेज किया हुआ होता है, उस बैंड में से जो भी आईपी आपकी फ्री होगी वो आपको अलॉट कर देगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि आपने, हाँ कभी कभार ऐसा होता है कि आप बहुत, आपके पास पैसे बहुत ज्यादा हैं तो आप स्टैटिक आईपी भी परचेस कर सकते हैं। स्टैटिक आईपी फिर क्या होती है, वो फिक्स रहेगी, वो आपकी होगी, वो चेंज नहीं होती आपके पास। लेकिन जनरली जो आपके पास सर्वर्स होते हैं वो स्टैटिक आईपी ऑप्ट करते हैं, नॉट द जनरल पब्लिक। तो बच्चों आपके पास दो तरह की टाइप्स हैं आईपी एड्रेसेस की, वन ऑफ देम इज कॉल्ड आईपी वर्जन 4 एंड अनदर वन बच्चों इज कॉल्ड आईपी वर्जन 6। सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट बच्चों आईपी वर्जन 4 के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट बच्चों आईपी वर्जन 4। अब आप लोग के माइंड में एक सवाल आ सकता है कि आईपी वर्जन 5 कहां गया सर? एनीवन? जी आईफोन 9 तो आया था मेरे ख्याल से, नहीं है डायरेक्ट 8 के बाद 10 आया। खैर, तो बच्चों आईपी वी 5 का इशू ये था कि आपके पास आईपी वी 4 बच्चों, पहले तो एक पॉइंट हम लोग यहां पे नोट कर लें, कितनी बिट्स का होता है? एनीवन? एक्सीलेंट बेटा, सबको बताओ, क्यों नहीं बता रहे भाई? तो बच्चों कंसिस्ट ऑफ थर्टी टू बिट्स। तो आईपी वर्जन 4 बच्चों आप लोग के पास कंसिस्ट करता है कितनी बिट्स के ऊपर? 32 बिट्स के ऊपर कंसिस्ट करता है, या फिर यू कैन से 4 बाइट्स, या फिर यू कैन से 4 बाइट्स। अब देखिए होता ये, आपके पास टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस जो आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों यूजिंग आईपी वर्जन 4, दैट इज नंबर ऑफ एड्रेसेस इज इक्वल टू 2 to the power 32। दिस इज अराउंड बच्चों कोई 4 बिलियन एड्रेसेस आप लोग के पास यहां पे आ जाते हैं। नाउ बच्चों, अब आपके पास आईपी वर्जन 4 जो है ये कंसिस्ट करता है, आपके पास कंसिस्ट ऑफ 4 ऑक्टेट्स। ऑक्टेट्स का मतलब, एनीवन? ऑक्टेट का मतलब 10 शेल, नहीं नहीं, ऑक्टेट का मतलब 8। तो मतलब एक ऑक्टेट कंसिस्ट करता है आपके पास 8 बिट्स के ऊपर, एंड दीज ऑक्टेट्स बच्चों आर सेपरेटेड बाय, दीज ऑक्टेट्स आर सेपरेटेड बाय डॉट। तो एक डॉट से आप लोग क्या करते हैं, इन ऑक्टेट्स को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। अब बच्चों एक और बात आप लोग को पता होना चाहिए, जनरली रिप्रेजेंटेड यूजिंग डेसिमल्स। तो आपके पास आपका आईपी वर्जन 4 बच्चों जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है कैसे, बाइनरी के अंदर या डेसिमल्स के अंदर क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। अब मैं आप लोग के सामने बच्चों एक आईपी एड्रेस लिखने जा रहा हूं, एंड लेट्स से द आईपी एड्रेस बच्चों इज 192.167.20.50।
15. तो दिस इज बच्चों वन ऑफ द आईपी एड्रेसेस दैट वी हैव. और अब इस आईपी एड्रेस के अंदर क्या कर सकते हैं हम लोग, दीज आर यू कैन सी, ये हमारे पास क्या है, दे आर फोर डिफरेंट ऑक्टेट्स. ये ऑक्टेट्स हैं. एक ऑक्टेट के अंदर कितनी बिट्स हैं हमारे पास, 8 बिट्स हैं. सो 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, तो बच्चों टोटल कितना साइज हो जाएगा इसका, 32 बिट्स के हो जाएंगे आपके पास. अब बच्चों डेसिमल के अंदर आपके पास अगर एक ऑक्टेट की मैं रेंज की बात करूं, तो रेंज बच्चों डेसिमल के अंदर क्या होती है आपके पास, 0 से लेके मैक्सिमम आपके पास इट कैन कंटेन 255. तो दिस इज द रेंज बच्चों इन डेसिमल. अगर बच्चों यही रेंज में बाइनरी में कन्वर्ट कर दूं तो मिनिमम वैल्यूज क्या हो सकती है, 8 बिट्स हैं, सारी जीरो हो जाएंगी. सो द मिनिमम वैल्यू कैन बी 0000000. सो दिस इज द मिनिमम रेंज बच्चों इन बाइनरी. और मैक्सिमम क्या हो सकती है बाइनरी के अंदर, सारे वन हो जाए. मैं नीचे कर देता हूं. और मैक्सिमम क्या हो जाएगी आपके पास, ऑल आर सेट टू वन. सो दिस इज द रेंज बच्चों इन बाइनरी. This is the range बच्चों in binary. और अगर बच्चों मैं hexadecimal में range लिखना चाहूं, so what will be the age? ओके जी, इफ आई वॉन्ट टू डिफाइन द रेंज बच्चों इन डेसिमल, तो क्या होगी आपके पास, तो आपको पता है भाई चार चार के पेयर बनाते हैं, चार का पेयर, चार का पेयर, तो दिस विल बी 00 से लेके एफ एफ तक. सो दिस इज द रेंज बच्चों इन हेक्सा डेसिमल्स. लेकिन बच्चों एक बात क्लियरली याद रखिएगा, अगर आप लोग का आईपी एड्रेस बाइनरी में, तो पूरा एड्रेस बाइनरी में होगा. इफ योर आईपी एड्रेस इज इन हेक्साडेसिमल, द होल एड्रेस विल बी इन हेक्साडेसिमल. एंड इफ द आईपी एड्रेस बच्चों इज इन डेसिमल, तो पूरा एड्रेस डेसिमल में होगा. नाउ बच्चों स्टार्टिंग विद अयान, अयान आपसे स्टार्ट करते हैं. आई एम गोइंग टू राइट वन ऑफ द IPv4. आपको मुझे बताना है कि क्या वो IPv4 वैलिड है या इनवैलिड है, आपको सिर्फ ये बताना है मुझे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. जीरो डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट जीरो, दिस आईपी एड्रेस इज इन डेसिमल, वैलिड और इनवैलिड, वैलिड और इनवैलिड. सर ये एक ऑक्टेट की रेंज है, यस ये एक ऑक्टेट की रेंज है, और हर ऑक्टेट की साथ यही रेंज है हमारे पास, हर ऑक्टेट के हमारे पास यही रेंज है हमारे पास, दैट आई हैव डिफाइंड ओवर हियर. ठीक है, तो भाई हमारे पास अयान ने बताया कि सर वैलिड, तो बिल्कुल सही बताया अयान आपने, फोर ऑक्टेट्स सेपरेटेड बाय डॉट एंड रेंज के अंदर है, तो बिल्कुल परफेक्ट आपने रिप्लाई करा. नेक्स्ट योर नेम बिलाल, आप बताएंगे मुझे 192.257.16.8 and this is in decimal. Invalid. Reason? ठीक हो गया. तो excellent बच्चों, अब आप लोग को यहां पर हमारे पास बिलाल ने बताया कि सर दिस इज invalid, और उन्हें रीजन भी बच्चों बिल्कुल परफेक्ट बताया, एंड द रीजन इज एक्सीडिंग द रेंज. तो ये वाला ऑक्टेट क्या कर रहा है, आपकी रेंज को एक्सीड कर रहा है, तो हमने डिफाइन कर दिया दिस इज एक्सीडिंग
स्ट्रेंज। नेक्स्ट, कोई ऑनलाइन बच्चा मुझे बताए जरा भाई। नेक्स्ट, लेट्स से व्हाई नॉट रऊफ, आप बताओ बेटा मुझे। टू हंड्रेड डॉट 255 डॉट 255 एंड दिस इज इन डेसिमल। और जोर जोर से बता दें, माइक में ही बता दें आके जी। ऑनलाइन बच्चे भी बताएं, रऊफ इनवैलिड। पानी जो होता है इनवैलिड क्यों है भाई रऊफ, रीजन बताओ मुझे व्हाई दिस इज इनवैलिड। ठीक है फहद, आपने बता दिया और एवरीवन पे बता दिया आपने। ठीक है तो बिल्कुल सही है बच्चों, तो दिस इज इनवैलिड एंड द रीजन इज मिसिंग ऑक्टेट। नेक्स्ट, ठीक है नेक्स्ट लेट्स से बेटा आप बताएंगे मुझे। अब एफ ए डॉट बी ए डॉट 13 डॉट 14 दिस इज इन हेक्साडेसिमल। आपको बताना है दिस इज वैलिड और इनवैलिड। एक्सीलेंट, क्यों इनवैलिड? एग्जैक्टली। तो बच्चों मैंने आप लोग को बताया था, अगर आप लोग का आईपी एड्रेस हेक्साडेसिमल में तो पूरा एड्रेस हेक्साडेसिमल में होना चाहिए, अगर आप लोग का आईपी एड्रेस डेसिमल में तो पूरा एड्रेस डेसिमल में होना चाहिए। मैंने सवाल तो खैर इनसे किया था, लेकिन आपने अपने ऊपर लेके बेइज्जती, आपने अपने ऊपर ले ली और आपका जवाब बिल्कुल गलत है। वो बड़ा खुश हो रहे थे वो। तो क्या नाम है तुम्हारा? फिजर, मैं आपको लेके जाता हूं। पहले दिन मैंने आपको पहली क्लास में कुछ पढ़ाया था, मैंने आपको पानी में भी डुबाया था अगर आप लोग को याद हो। मैंने बताया था ए लेवल्स बड़ा खतरनाक है, तो वहां पे मैंने आपको एक बात पढ़ाई थी खिजर, इफ यू रिमेंबर। पढ़ाई थी नहीं पढ़ाई थी? हाँ पढ़ाई थी भाई। मैंने आपको पढ़ाया था खिजर द रेंज ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर्स। तो हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर्स की रेंज क्या है? दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 से लेके 15 तक। तो वो जो आपके पास वहां पे 13 लिखा हुआ था, दैट वॉज नॉट 13, दैट वॉज 1 अलग 3 अलग। ठीक है, जो आपके पास वहां पे 14 लिखा हुआ था, दैट वॉज नॉट 14, दैट सॉरी दैट वॉज नॉट, हाँ 14, दैट वॉज 1 अलग 4 अलग। क्योंकि आपके पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये भी क्या है आपके पास? दे आर हेक्साडेसिमल नंबर्स। ठीक है, तो आपके पास वो बिल्कुल आईपी एड्रेस आपका करेक्ट है, आपका आईपी एड्रेस बिल्कुल क्या है ये वैलिड है, और बिल्कुल आपका ये आईपी एड्रेस क्या है फेजर करेक्ट है। मैंने तो आपसे सवाल भी नहीं किया था, आपने खुद ही अपने ऊपर ले लिया भाई। फिर गलत हो नहीं, हाँ फिर गलत हो जाता हेक्साडेसिमल के अंदर, फिर गलत हो जाता। नाउ नेक्स्ट फिगर, अब आप अगला आप बताएंगे। 18 तो होता ही नहीं है हमारे पास। हाँ सॉरी करेक्ट होगा, करेक्ट है, 1 अलग है 8 अलग है। अगर 180 होता फिर इनकरेक्ट होता आपके पास। अभी खैर अभी आगे आ रहे हैं, 8 बिट से ज्यादा एक्सीड कर गया। नेक्स्ट फिजर कहां गए भाई? फिजर डेसिमल में लेट्स सी, डेसिमल में फिजर क्यों? रीजन कॉमा है। ठीक है एक्सलेंट फिजर, जबरदस्त। तो खिजर ने बता दिया कि सर दिस इज इनवैलिड कैरेक्टर। अगला भी फिजर आप ही बताओगे। सो फिजर अगला हेक्साडेसिमल है, मुश्किल है थोड़ा, देखना।
हेक्साडेसिमल के अंदर है हमारे पास खिजर, देख के बताना आराम से, मुझे तो सही लग रहा है भाई, क्यों इनवैलिड क्यों है जी? ठीक है गुड, आई थॉट कि तुम मिस कर जाओगे उसको, लेकिन तुमने बिल्कुल सही डिटेक्ट कर लिया, दिस इज इनवैलिड कैरेक्टर। एंड द लास्ट वन बच्चों, एक और आपके पास आता है यहां पे, ताकि हम सारे डिफरेंसेस यहां पे देख लें, एग्जाम में आ जाते हैं सवाल इस टाइप के। एंड द लास्ट वन बच्चों, लेट से दिस इज अगेन इन हैक्स जी, एनीवन इनवैलिड रीजन 8 bit से एक्सीड कर रहे हैं, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि इनवैलिड का रीजन भी पूछता आपका एग्जामिनर। तो बच्चों देखिए, अगर मुझे एफ को रिप्रेजेंट करना है आई नीड 4 bits, मुझे ए को रिप्रेजेंट करना है आई नीड 4 bits, मुझे बी को रिप्रेजेंट करना है आई नीड 4 bits, तो टोटल कितनी बिट्स हो गई 12, और एक ऑक्टेट में कितनी बिट्स होती है 8, तो मैंने यहां पर बता दिया एक्सीडिंग द रेंज। सो आई होप बच्चों, अब आप लोग एक आईपी वर्जन 4 देखने के बाद आप लोग ये चीज तो अब जज कर सकते हैं कि वो आईपी एड्रेस वैलिड है या इनवैलिड है, इतनी चीज तो आप लोग क्या कर सकते हैं, जज कर सकते हैं। अब बच्चों लेट्स डिफरेंशिएट बिटवीन आईपी वर्जन 6 वर्सेस आईपी वर्जन 4, जरा इनको डिफरेंशिएट करता हूं, फिर बच्चों आप लोग को आईपी वर्जन 6 का भी फॉर्मेट पता होना चाहिए। ठीक है, सो लेट्स डिफरेंशिएट बच्चों बिटवीन बोथ ऑफ देम, लेट्स स्टार्ट। आई थिंक दिस इज मोर देन इनफ, यहां पे मेरे पास इफ स्पेस इनफ है। लेट्स कंपेयर बच्चों बोथ ऑफ देम, आईपी v4 वर्सेस आईपी v6। तो बच्चों आईपी वर्जन 4 आपके पास, कंसिस्ट ऑफ 32 bits, और ये आपके पास कंसिस्ट करते हैं v6। सही है, सही बता रहे भाई आप लोग, मुझे कॉलेजेस में इतना अच्छा रिप्लाई नहीं मिलता, आप लोग बड़े अच्छे अच्छे रिप्लाई कर रहे हैं भाई। कंसिस्ट ऑफ 128 bits, टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस बच्चों, नंबर ऑफ एड्रेसेस दैट वी कैन हैव बच्चों 2 की पावर 32, और यहां पे बच्चों नंबर ऑफ एड्रेसेस 2 की पावर 128 एड्रेसेस। फर्दर यू शुड नो बच्चों, अच्छा जी नेक्स्ट, आपके पास आईपी वर्जन 4 जो है बच्चों इज बेस्ड ऑन क्लासेस, बात करेंगे इसके ऊपर, एंड आईपी वर्जन 6 बच्चों इज क्लासलेस। ओके जी, फर्दर यू शुड नो बच्चों, यहां पे आईपी वर्जन 4 जो है बच्चों इट इज लेस सिक्योर, और ये आपके पास बच्चों मोर सिक्योर होता है आपके पास। रीजन इज हैज बिल्ट इन एनक्रिप्शन एल्गोरिथम। आपके पास आईपी वर्जन 6 में बच्चों एक बिल्ट इन क्या होता है आपके पास, एनक्रिप्शन एल्गोरिथम अवेलेबल होता है आपके पास। आईपी वर्जन 4 बच्चों आपके पास
कंसिस्ट ऑफ फोर ऑक्टेट्स, और ये कंसिस्ट करता है बच्चों कंसिस्ट ऑफ एट हेक्सटेट्स। ऑक्टेट बच्चों कितनी बिट्स के ऊपर होता है? 8 बिट्स के ऊपर। और हेक्सटेट बच्चों आपके पास कितनी बिट्स के ऊपर होता है? 16 बिट्स के ऊपर ये कंसिस्ट करता है आपके पास। आप लोग बच्चों आईपी वर्जन 4 को ये ऑक्टेट्स को सेपरेट करते हैं, सेपरेटेड बाय डॉट, और यहां पे बच्चों इट इज सेपरेटेड बाय कॉलन। जनरली IPv4 बच्चों रिप्रेजेंट किया जाता है यूजिंग जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों डेसिमल के अंदर। तो जनरली रिप्रेजेंटेड इन डेसिमल, और बच्चों ये रिप्रेजेंट किया जाता है जनरली रिप्रेजेंटेड इन हेक्सा डेसिमल्स। एंड दीज आर ऑल द डिफरेंसेस बच्चों बिटवीन आईपी वर्जन 4 वर्सेस आईपी वर्जन 6। अब जरा आगे मूव ऑन करते हैं, और अब मैं आप लोग के सामने एक आईपी एड्रेस लिखने जा रहा हूं बच्चों, एंड दिस इज आईपी वर्जन 6। लेट्स स्टार्ट। आईपी वर्जन 6 की बस ये सारे है ना सारे पॉइंट्स। एक आईपी एड्रेस से कंसिस्ट करता है 128 बिट्स के ऊपर, नंबर ऑफ एड्रेसेस क्लासलेस है, ज्यादा सिक्योर है, कंसिस्ट करता है 8 हेक्सेट्स के ऊपर, सेपरेटेड बाय कॉलन एंड सो ऑन। अभी वो बात करेंगे, वो तो रूल्स हैं वो उसके। ओके जी, लेट्स स्टार्ट बच्चों। मैंने आप लोगों के सामने आईपी वर्जन 6 लिखा, एक IPv6। FA 00001A 16 bits per hexstate. Yes, Fahad, 16 bits per hexstate. 00001000 01EB 00000000 1A and 1 8। तो चेक कर ले भाई, 8 हो गए हमारे पास, 8 हेक्सेट्स होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। हटाएंगे ना वन बाय वन, हल्के हल्के आराम से अभी। तो बच्चों पहला रूल हम लोग यहां पे करते हैं। द फर्स्ट रूल इज, आप लोग के पास आईपी वर्जन 6 के अंदर जो लीडिंग जीरोज होते हैं आप उन्हें सप्रेस कर सकते हैं। सर लीडिंग जीरो, तो बच्चों लीडिंग जीरो मतलब आपके पास दीज आर द लीडिंग जीरोस, दीज आर, अब सर ये तो पूरा हेक्सटेट ही जीरो के ऊपर कंसिस्ट करता है, तो बच्चों वी कैन रिप्रेजेंट इट यूजिंग अ सिंगल जीरो। देन बच्चों अगर ये आपके पास एंड में जीरो आ रहा है तो इसको आप लोग सप्रेस नहीं कर सकते। देन जीरो, देन जीरो जीरो एंड सो ऑन। तो दिस इज द फर्स्ट रूल बच्चों दैट वी हैव। अच्छा सर करते क्यों ऐसा? ये इसलिए करते हैं बच्चों ताकि आप लोग का, आप लोग को पता है इतना बड़ा आईपी एड्रेस है तो वो दिखने में थोड़ा सा बेहतर हो जाए, कॉन्फाइन हो जाए, छोटा हो जाए। तो मैंने पहला रूल अप्लाई करा यहां पर। द फर्स्ट रूल इज लीडिंग जीरोस कैन बी सप्रेस्ड। तो दिस विल बिकम बच्चों एफ ए 00001A 01000 01EB
जीरो वन ए वन एट. तो दिस वॉज द फर्स्ट रूल बच्चों दैट वी कैन अप्लाई ऑन आईपी वर्जन 6. लीडिंग जीरोस कैन बी सप्रेस्ड. नाउ बच्चों लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट रूल. अगले रूल के ऊपर बात करते हैं. द नेक्स्ट रूल बच्चों इज अगर आप लोगों का एक हेक्सटेट, अगर आप लोगों का एक हेक्सटेट बच्चों पूरा जीरो के ऊपर कंसिस्ट करता है तो आप पूरा का पूरा हेक्सटेट क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, सप्रेस्ड आउट कर सकते हैं यूजिंग डबल कॉलन. बिफोर वी मूव फॉरवर्ड वी हैव अ क्वेश्चन. सर जीरो अप्लाई करना इंपॉर्टेंट है, कैन वी जस्ट लीव इट ब्लैंक लाइक दिस एंड कंसिडरिंग ऑल ऑफ देम लाइक डबल कॉलन. अब्दुल्ला भी आगे आ रहा हूं, आप आगे का सवाल कर रहे हैं, थोड़ा सा वेट कर लेगा. अब्दुल्ला भी वही डबल कॉलन डबल सप्रेसर के ऊपर बात कर रहे हैं. तो बच्चों आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग पूरा हेक्सटेट क्या कर सकते हैं, सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है. एंड सिमिलरली बच्चों आप लोग अब अगर आप लोगों को पूरा हेक्सटेट सप्रेस करना है तो वी यूज बच्चों सप्रेसर एंड दैट सप्रेसर बच्चों लुक्स लाइक दिस. डबल कॉलन आपके पास कंसीडर किया जाता है एज अ सप्रेसर. लेकिन बच्चों इस सप्रेसर के अंदर ना एक मसला है. मसला ये कि आप लोग अब्दुल रहमान इंपॉर्टेंट है बहुत. आप लोग नहीं, तुम्हारा दिल नहीं चाह रहा, मुझे वो फील हो जाता है तुम्हारा आज पढ़ने का दिल नहीं चाह रहा ना, तुम बहुत इंटरेस्ट लेके पढ़ रहे हो तो आज तुम्हारा दिल नहीं चाह रहा, ये मैं एज्यूम कर रहा हूं, क्या पता कभी भी नहीं चाहता हो तो खैर. नहीं नहीं अच्छा बच्चा है, हमेशा सही आंसर करता है, जब भी मैंने इसको पॉइंट आउट करा है ना हमेशा सही जवाब देता है ये. खैर तो बच्चों ये डबल सप्रेसर के साथ मसला क्या है कि आप पूरे आईपी एड्रेस के अंदर सिर्फ एक दफा यूज कर सकते हैं. तो दैट्स द इशू. अब मेरी मर्जी है. अब ये करता क्या है, जितने भी आपके लीडिंग हेक्सटेट्स है ना तो वो सारे सप्रेस कर सकता है. अगर दो है दो को कर देगा, अगर एक है एक को कर देगा, अगर पांच है पांच को कर देगा, अगर तीन है तीन को कर देगा. तो जितने भी हेक्सटेट सीक्वेंस के अंदर आपके पास जीरोज हैं सबको सप्रेस कर देगा. तो बच्चों मैं यहां पे भी अप्लाई कर सकता हूं, मैं यहां पे भी अप्लाई कर सकता हूं. अगर मैं यहां पे अप्लाई करूंगा कितने हेक्सटेट सप्रेस होंगे, और यहां पे करूंगा कितने होंगे, तो बच्चों कहां पे यूज करना चाहिए. लेकिन अगेन इट्स टोटली योर विश, आपकी जहां पे मर्जी हो आप वहां पे यूज कर सकते हो. तो बच्चों मैंने आगे अप्लाई करा, नाउ माय आईपी एड्रेस बच्चों विल लुक लाइक दिस. एफ ए जीरो जीरो वन ए जीरो वन जीरो जीरो वन ई बी एंड डबल कॉलन वन ए वन एट. तो बच्चों ये डबल कॉलन क्या कहलाते हैं आपके पास, दे आर कॉल्ड सप्रेसर्स. और आप लोगों ने यहां पे क्या करा, पूरे हेक्सटेट्स यहां पे लाइन से क्या करे, सप्रेस्ड आउट कर दिया. सर करते क्यों ऐसा, ताकि आप लोग का आईपी एड्रेस दिखने में थोड़ा बेहतर लगे, कॉन्फाइन लगे, अच्छा लगे. वो भी ऐसे ही करेंगे डबल कॉलन, बस डबल कॉलन आ जाएगा. अब बच्चों आगे बढ़ते हैं. मैंने आप लोग के सामने एक आईपी एड्रेस लिखा, आप लोग को मुझे यह बताना है कि कितने हेक्सटेट जो है सप्रेस्ड हुए हैं, ठीक है. सो लेट्स से 1A 18 कॉलन 200 1000 दैट्स इट. माय क्वेश्चन इज हाउ मेनी हेक्सटेट्स आर बीइंग सप्रेस्ड, कैसे बताया आप लोगों ने. अच्छा जी सर हमें सप्रेस्ड फॉर्म से जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए. रहमान इज आस्किंग. रहमान आज तक कभी इस तरह का सवाल आया नहीं, लेकिन मतलब मेरी प्रेडिक्शन ऐसी है कि इस टाइप का क्वेश्चन बहुत अच्छा एक सवाल बन सकता है पेपर के अंदर, कि आपको सप्रेस दे दे और बोले इसको सारी सप्रेशन इससे रिमूव करके इसको ओरिजिनल फॉर्म में लिखो, एंड 4 मार्क्स 5 मार्क्स का क्वेश्चन इजिली एग्जामिनर दे सकते हैं. अच्छा सवाल है. तो बच्चों हमें यहाँ पे बताया साहब ने कि सर 5 हेक्सटेट्स आर बीइंग सप्रेस्ड, तो ठीक है टोटल कितने होते हैं, तो 1 2 3 इसका मतलब बच्चों कितने हेक्सटेट सप्रेस्ड हैं, 5. अब बच्चों बैक इन 2000 आई थिंक
18 या 19 में एक सवाल आया, 90% बच्चों ने ये सवाल गलत अटेम्प्ट करा। क्वेश्चन वॉज कि क्या ये एक वैलिड आईपी है या इनवैलिड आईपी एड्रेस है। क्या ये वैलिड है या इनवैलिड है, ये सवाल ये था। तो बच्चों 90% बच्चे जो है वो अब्दुल रहमान के साथ गए और 90% बच्चों का ये जवाब गलत हुआ था। ठीक है, तो इसका मतलब बच्चों 8 के 8 हैक्सटेट्स आपके पास क्या है, दे ऑल आर जीरोस, इट्स अ वैलिड आईपी एड्रेस। IPv6 एक वैलिड आईपी एड्रेस है ये आपके पास। ठीक है, तो याद रखिएगा दिस इज अ वैलिड आईपी वर्जन 6। इसका मतलब है ऑल 8 हेक्सटेट्स आर जीरोस। नाउ अनदर वन बच्चों, माई क्वेश्चन इज हाउ मेनी हेक्सटेट्स आर बींग मतलब सप्रेस्ड, 4। लेट मी काउंट, 1, 2, 3, 4। तो इसका मतलब बच्चों कितने सप्रेस्ड हुए हैं, 4 आपके पास यहां पे सप्रेस्ड हुए हैं। नहीं, आईपी वर्जन 4 सप्रेस नहीं होता रहमान, आईपी वर्जन 4 को सप्रेस नहीं करते। हाँ, इस बात से एक बात याद आ गई, आपके सवाल से मुझे एक बात याद आ गई। तो बच्चों लेट्स नोट दिस स्टफ एज वेल, आईपी वर्जन 6 कैन कंटेन आईपी वर्जन 4 इन इट। तो आपके पास बच्चों आप लोग का जो आईपी वर्जन 6 है वो अपने अंदर आईपी वर्जन 4 को भी क्या कर सकता है, कंटेन कर सकता है। अब बिफोर आई मूव फॉरवर्ड मुझे आप लोग एक बात बताएं, आईपी वर्जन 4 में कितने हेक्सटेट्स हैं। मेरी स्टेटमेंट वापस से सुनेगा, कितने हेक्सटेट्स हैं, 2। सर कैसे, तो बच्चों टोटल नंबर ऑफ बिट्स आर 32, तो एक हेक्सटेट कितनी बिट्स के ऊपर कंसिस्ट करता है, 16। तो 16 प्लस 16 32, आपके पास यहां पे क्या है मतलब बिट्स हैं। तो आपके पास आईपी वर्जन 4 में कितने हेक्सटेट्स हुए, 2। और तो बच्चों मैंने आप लोग को बताया आईपी वर्जन 6 कैन कंटेन आईपी वर्जन 4 एज वेल। अब ये होता कैसे, आपके पास कभी कभार ऐसा होता है एक नेटवर्क है, मैंने एक नेटवर्क बनाया, मैंने बोला भाई इस नेटवर्क के अंदर आपके पास जिसका आईपी वर्जन 6 है सिर्फ वही अलाउड है, आईपी वर्जन 4 अलाउ नहीं है। ठीक है, तो या वी कैन ऑल्सो से मैंने बोला भाई मेरी क्लास में सिर्फ वही बच्चे अलाउ है जो हेलमेट पहन कर आएंगे। ठीक है, मैंने एक रिक्वेस्ट डाल दी, अब बच्चों सारे मेरी क्लास में आ गए हेलमेट पहन के। अब इन्होंने क्या करा, अब अब्दुल्ला भी मेरी क्लास में आना चाहते हैं, तो बच्चों क्या होगा, अब्दुल्ला को वो हेलमेट पास करेंगे और वो फॉर द टाइम भी हेलमेट पहनेंगे, सारिम का और क्लास के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों सिमिलरली आपके पास कभी कभार नेटवर्क की रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपके पास मैं अलाउ ही करूंगा सिर्फ आईपी वर्जन 6 को। अब मैं पहुंचा, मेरे पास तो आईपी वर्जन 4 था। ठीक है, तो अब क्या होगा, तो बच्चों टेम्पररी तौर पर मेरे ऊपर एक मास्किंग कर दी जाएगी और मुझे आईपी वर्जन 6 के अंदर क्या कर दिया जाएगा, कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, और फिर जब मैं वो नेटवर्क छोड़ूंगा तो वापस से मैं क्या बन जाऊंगा, आईपी वर्जन 4 बन जाऊंगा। तो बच्चों दिस इज हाउ आपके पास किया जाता है, लेट्स से 1A:21AB:168.11.12.12। तो बच्चों अब अगर मैं आप लोग से सवाल करूं हाउ मैनी हेक्सटेट्स आर सप्रेस्ड, 2, ये आया ना सही जवाब। अब कब से क्लास में बैठ के हमेशा सही जवाब दे रहा था, अब फंसा ये भी, क्या जवाब है, 2, 3, चले अब गलत आने भाई जवाब, साहब ने पर्सनल मैसेज करके सही जवाब दे दिया है भाई, 2, एक्सीलेंट।
छः पांच, चलो एटलीस्ट कहीं तो आप लोग फंसे भाई, चार डबल कॉलन भी है ना, डबल कॉलन मतलब, अच्छा जब भी आपके पास आईपी डबल कॉलन मतलब कोई ना कोई हैक्सेट सप्रेस्ड है और फिर आपके पास आईपी वर्जन 4 आ गया, ठीक है। योर नेम अमान। तो बच्चों अमान और सारिम ने भी बता दिया था और साथ ने भी ऑनलाइन सही बताया है, 4 हैक्सेट्स आर सप्रेस्ड। सर कैसे बताएं, बता देता हूं भाई, एक हैक्सेट सब एग्री कर रहे हैं, सेकेंड हैक्सेट सब एग्री कर रहे हैं, फिर बच्चों आपके पास आईपी वर्जन 4 है। मैंने आपको अभी तो बताया था आईपी वर्जन 4 कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी हैक्सेट्स, 2 हैक्सेट्स। तो अगर मैं इसको 2 हैक्सेट्स कंसीडर कर लेता हूं, लेट्स से 3 एंड 4, तो बच्चों टोटल कितने होते हैं 8। तो आपके पास कितने सप्रेस्ड हुए, में 4 आपके पास सप्रेस्ड है। ये बात समझ में आई या वापस से रिपीट करूं? ये 0 होंगे सारे। अच्छा ये सेपरेटेड बाय कॉलन ही है, लेकिन ये कंटेन, ये भी तो मैंने लिखवाया आप लोग को, ये कंटेन कर सकती है IPv4। तो मतलब दिस पार्ट इज कंसीडर्ड एज आईपी वर्जन 4, लेकिन अब वो आईपी वर्जन 4 अपनी फॉर्म में ही रहेगा, डॉट के अंदर ही रहेगा, कर लेता है वो, मतलब उसको पता होता है नेटवर्क को कॉलन के बाद जो है वो आपके पास डबल कॉलन के बाद आपके पास IPv4 आ रहा है, तो ये मास्किंग कहलाती है, उसको पता होता है। हाँ ऑफ कोर्स, तो उसको मास्क, उसको वो रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है वो। तो ये रूट आएंगे अनुमति के वो कॉलम से, वो जब कर आने ही जैसे होता है नेटवर्क के अंदर जो डिविजनिंग होती है ना उसके अंदर वो होता है, मतलब उसका एक पार्टीशन होता है नेटवर्क के अंदर, बहुत आपके पास साइंस लगी भी होती है तो उन्होंने भाई एक डिविजनिंग बनाई भी होती है भाई, कि आपके पास अलाउ ही करना है, 6 को अलाउ करना है, तो फिर वो मास्किंग करके उसको टेम्पररी तौर पर उसको अलाउ कर देते हैं। अनदर वन बच्चों, लास्ट वन, लेट्स से मैं आप लोग के सामने एक आईपी एड्रेस लिख रहा हूं, पहले तो ये बताएं आप लोग, हाउ मेनी हैक्सेट्स आर सप्रेस्ड। अब मुश्किल सवाल तो दूं ना आप लोग को, ठीक है 5, तो एक हैक्सेट आपके पास ये हो गया, 2 आपके पास ये हो गए IPv4 है लाइक 2 और 3, और टोटल आपको पता है बच्चों कितने होते हैं 8, तो 5 सप्रेस्ड हुए हैं। अब मैं आप लोग के पास बच्चों आखिरी सवाल है, मैं आप लोग को एक आईपी एड्रेस दे रहा हूं सप्रेस फॉर्म में, आप लोग को सारी जितनी भी सप्रेशन उसके ऊपर अप्लाई हुई हुई है सारी रिमूव करके उसको ओरिजिनल फॉर्म के अंदर क्या करना है, प्लेस करना है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट, और भी तरह की मास्किंग होती है, ये भी एक काइंड ऑफ मास्किंग है। डन बच्चों, आप लोगों को क्या करना है, इस आईपी एड्रेस को डी कॉम्प्रेस करने, जितने भी रूल्स अप्लाई हुए हैं सारे आप लोगों को रिमूव करने, ओरिजिनल फॉर्म में इस आईपी एड्रेस को लिख के दिखाएं V6 को। डन, साथ गलत किया है आपने, सिर्फ इसको डीकॉम्प्रेस करे साथ, इसको कौन करेगा डीकॉम्प्रेस, बरजान आपने सही करे। लेट मी शो यू पीपल, बच्चों बरजान का आंसर मैं आप लोग को शो कर देता हूं, पता नहीं शो हो जाए अगर ये, हाँ हो रहा है, दिखेगा कैसे ये,
चलिए फिर भी बेहतर आए। अच्छा चैट जीपीटी से। अच्छा पहले मैं ये देख लूं कितने सप्रेस थे, 1 2 3 4 5 तीन सप्रेस थे, तो 0 0 नजर आ रहे ना आप लोगों को, क्लास से वाला यूं करके जाएगा आप लोग, थोड़ा सा कर्व हो गया ये, इसको स्ट्रेट कर देते हम। ठीक है भाई अब सही है, ओके जी। तो 0 0 ए बी, 00 टू 0 फाइन। देन बच्चों तीन हेक्सटेट्स आपके पास क्या हो गए, तीन हेक्सटेट्स सप्रेस हुए हुए थे, इन्होंने उसको ओरिजिनल फॉर्म में डिफाइन कर दिया बिल्कुल प्रॉपरली। देन बच्चों 00 टू 0 0 टू 0 1 एंड द लास्ट वन बच्चों 0 ए बी सी। ठीक है तो बच्चों अगर आप लोग के पास हेक्सटेट्स सप्रेस हुए हुए तो आप उन्हें क्या कर सकते हैं, डीकॉम्प्रेस कर सकते हैं। और रिमेंबर वन थिंग, जो सप्रेसर है वो आप लोग पूरे आईपी एड्रेस के अंदर सिर्फ क्या कर सकते हैं, एक दफा यूज कर सकते हैं। तो अगली क्लास के अंदर बच्चों इस टॉपिक को अब आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे, आज यहीं तक होल्ड करते हैं इंशाल्लाह, इस टॉपिक को थर्सडे वाले दिन और फर्दर आगे कैरी ऑन करते हैं। अल्लाह हाफिज, टेक केयर। लिख पाऊंगा अगली क्लास में, पहले लिख पाऊंगा फिर आगे बढ़ेंगे। पेपर तो मिलेगा।